एवरीवन, कैसे आप सब? स्वागत है हमारे इस नए वाले ब्लॉग से। तो अभी मैं ब्लॉग यहाँ से शुरुआत कर रही हूँ एंड बहुत अच्छा लगता है ना, यहाँ से मतलब शीशा के पास ऐसे फेस टू फेस मिलता है। तो आज ही संडे और कल तीज है, तो आज था नहा खा, तो मैं चलती हूँ किचन में और देखते हैं क्या क्या बन रहा है लंच में। ब्रेकफास्ट में तो मम्मी जी हलवा बनाई थी, तो बहुत टेस्टी लगा था और मम्मी जी को भी दिखाऊंगी आज ब्लॉग में। एंड आज भी हम लोग का बहुत अच्छा सा रील्स आएगा। कल वाले रील्स में आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब कमेंट कर रहे थे कि निशा और प्रिंस का जोड़ी बहुत अच्छा है। तो अब मुझे तो नहीं पता कैसा है कैसा नहीं है, बट चलते हैं किचन में देखते हैं क्या हो रहा है किचन में। और यहाँ पे दीदी बैठी हुई है, यहाँ पे राशि दिया अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और यहाँ पे चावल बन रहा है और आज बनेगा मशरूम का सब्जी और सारे खा लिए हलवा। हाँ, तो कल तीज है इसलिए आज नहा खा था। तो वैसे तो हमेशा आदमी नहाता ही है, लेकिन नहा खा के दिन क्या होता है ना, थोड़ा अच्छे से पूजा पाठ होता है, जितना भी बर्तन वगैरह होता है उसका पूजा का अलग से होता है ताकि अच्छे से सब पूजा पाठ हो पाए। अभी हम खाना बना रहे हैं, बाकी निशा भी स्विमिंग पूल की तरफ जाके दिखाएगी कितनी तेज बारिश हो रही है। और दीदी को ऐसा लग रहा था दीदी आज फास्ट टाइम उड़ रही थी ना, अभी यही चेहरा देखे तो उतर गया है, जैसा लग रहा है कितना ज़्यादा भूखे हो गया है। भूखे हुए भूख भी नहीं लगी लेकिन ना एकदम अजीब सा हो रहा है। तो अभी चलिए चलते हैं आज का दिखाते हैं मौसम कैसा है स्विमिंग पूल के पास। आज भी मौसम बहुत अच्छा हुआ है एंड बहुत क्या मस्त मौसम। आज भी ऐसा लग रहा है बारिश आ रहा है, थोड़ा बहुत बारिश आ रहा है, बहुत अच्छा मौसम हुआ है गाइस। और यहाँ पे स्विमिंग पूल में इतने सारे पानी, मैं आप सबको बैक कैमरा से दिखा रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा मौसम हुआ है, बहुत मस्त ठंडा ठंडा मौसम, हाय बहुत अच्छा लग रहा है। बैठे हुए हैं, ये अभी रेडी नहीं हुए हैं, सबको रेडी हो जा रहा है, ये पीछे ही रह जा रहे हैं। क्यों ताई क्यों? डेली डेली बोल रहे स्टोरी बनाने के लिए रेडी हो जा रहा है पर कोई बनाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है वीडियो, इसलिए सोच रहे हैं जब बनाने के लिए सब रेडी होगा तो अभी सब कोई तो ब्रेकफास्ट कर लिया, अब बनाया जाएगा। चाहिए अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो लेट हो गया था, लेट होता है अब लंच का, लंच का टाइम है, लंच का टाइम 2 बजे होता है, 2 बजे होता है, पूछ लीजिएगा घंटा के बाद तो ये भी सोएंगे। और इधर कितना अच्छा मौसम हुआ है, आज भी धूप निकला है। तो ये सॉन्ग मेरा कुछ सुन रहे हैं एंड और कुछ दिखाएंगे वीडियो में, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो सुबह का हमने बना दिया था चावल दाल और रोटी सब्जी, लेकिन अब भुजिया बनानी थी तो निशा बोली कि दीदी मेरा थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर दो, हम क्या बनाए समझ में नहीं आ रहा है। फिर बोली कि दीदी भुजिया बनाते हैं वो दिखा दो। बहुत सारे लोग पूछते हो ना कि इतना चूर चूर भुजिया कैसे बनता है, जो कि मैं मिस्टर राज के लिए बनाती हूँ, तो वो भुजिया अब निशा बनाएगी, निशा के चैनल पर आप लोग देखिएगा। इसको भी खूब सारा प्यार दीजिए। और रह गई बात इसकी पढ़ाई की, तो ये वैसे मतलब मेरी वजह से ही यहाँ पे रुकी हुई थी, मैंने ही बोला था कि मम्मी रहने दो क्योंकि इतना बड़ा घर था, और अभी तुम अपना जो भी पढ़ाई लिखाई है वो ऑनलाइन कर लेना, और लेकिन मतलब पढ़ाना जैसे होता है इसको घर पे अच्छे से पढ़ा सकते हैं। बाकी अब इसका भी कुछ कुछ ज़रूरी काम है जो कि फॉर्म फिल करना पड़ता है, आप सभी को पता ही एग्जाम और बहुत जल्द जाने वाली है, लेकिन फिर मेरे को ये सोच के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि ये चली जाए, क्योंकि रहती है ना तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम कॉलेज चले जाते हैं तो घर पे तो यहाँ कोई भी नहीं है, तो मिस्टर राज रहते हैं तो फिर लगता है यार कैसे क्या हो रहा होगा, खाना कैसे होएगा, चाहे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, घर देखना भी पड़ता है, इसलिए हम उसको बोल देते हैं खुद कि मतलब यहाँ पे घर वालों को या फिर किसी एक को रहना बहुत ज़रूरी होता है, इसके वजह से अभी मिस्टर राज को भी कुछ कुछ करना पड़ता है ना, तो मैं रह जाती हूँ क्योंकि मेरे को भी कॉलेज को ज़्यादा मतलब कॉलेज पे ज़्यादा फोकस करना है। और क्या है कि कॉलेज में हमारा भी अभी पेपर कल से स्टार्ट होने वाला है, तो कल तो फर्स्ट भी है और स्टार्ट भी होने वाला है पेपर, तो देखते हैं कल का क्या सीन है, क्योंकि पेपर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और इस तरह बैक पैक लगना ठीक भी नहीं है। तभी चलते हैं निशा के पास और उससे बातें करते हैं। वो मेरे को खुद बोल रही थी कितने दिनों से उसका व्लॉग नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने ही बोला था कि यार तुम छोड़ दो रहने दो, तो बोले कि दीदी मुझे वैसे भी शौक़ नहीं है, अभी यहाँ पे है तो बना ले रहे हैं, घर जाएंगे तो हमें पता है कि हम नहीं बना पाएंगे। फिर हमने बोला कि कोई बात नहीं, तुम बनाते रहना, कुछ कुछ चीज़ें दिखाते रहना ताकि हम भी देख लेंगे वहाँ का कुछ कुछ सीन, चाहे सबको देख लेंगे, एक मेमोरी बन जाती है ना सबके साथ। चलते हैं अभी निशा के साथ, मेरे को कितना मैं मिस करती हूँ वो वाली सीन। मतलब मुझे लगता है कि जब मेरी दादी थी ना तो मुझे पहले से ही ब्लॉग बनाना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक मेमोरी बन जाती है, इसको इंसान देखता है बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं हो पाया पहले, वो तो टिकटॉक बैन होने के बाद हम लोग यूट्यूब पे आए, मतलब थोड़ा स्टार्ट किए वीडियो बनाए, नहीं तो शॉर्ट्स था। हाँ, मैं जब मेरी दादी थी ना तब से मैं बनाती हूँ, उनके साथ भी लाइक करते हैं, मतलब बहुत सारा वीडियो था, बट वो है नहीं है तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी यादें हर जगह से जुड़ी हुई है। अभी चलते हैं निशा के पास। तो यहाँ पे है ये निशा किचन में, और आज थोड़ा मेरा किचन एकदम चमक रहा है मस्त, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के सफाई की है। और यहाँ पे आलू का भुजिया भी निशा बना रही है, एकदम पतला पतला, पहले इसको छील के और पतला पतला काटना पड़ता है, उसके बाद से ना आलू का भुजिया बनता है। तो इसमें ना ये वाला हल्दी और ये वाला नमक डलाएगा, क्योंकि जाना की पूजा है इसलिए। तो कल तो और मजा आ गया। सबसे पहले क्या डाली इसमें, मेथी नहीं डाली हो ना? नहीं, मेथी डाल सकते हैं, मतलब मेथी डालते हैं, हम डालते हैं, लेकिन मिस्टर राज को पसंद नहीं है इसलिए हमको आदत हो गया है, पता नहीं क्यों हम उनके ही जैसा उनके टाइप का ही बनाने लग गए। जीरा डाल के बस, और हरी मिर्च डाले हैं, ही लो मत, नहीं तो ऐसे ही भी कमेंट आता है मेरे को भी तुमको भी आने लगेगा। नहीं, ये भी फ़ोन का स्पेस फुल हो जाएगा। निशा बोल रही थी कि दीदी जब हमारा पहला पेमेंट आएगा तो हम सोच रहे हैं क्या करें, तो निशा खुद बताएगी, इस ब्लॉग में नहीं बताएगी, वो नेक्स्ट ब्लॉग में बताएगी जब, अभी तो इसका पेमेंट वगैरह कुछ भी नहीं पता है ना मेरा पता है, बट ये सोच रही थी, क्योंकि हर इंसान सोचता है कि यार जब हमारे यूट्यूब का जब पहला पेमेंट आएगा तो हम क्या करेंगे। अभी तो इसका गूगल एडसेंस पिन आएगा, तब जाके जो भी कुछ होगा वो आएगा, कितना मज़ा आएगा। तो अभी सोच रहे थे कि वहाँ जाएंगे तो हम कैसे बना पाएंगे, वहाँ ब्लॉग भी नहीं बना पाओगे ना, वहाँ जाने के बाद पढ़ेगी वो, देखेंगे हम जाने के बाद देखेंगे, लेकिन टाइम मिलेगा तो शूट कर लेना, दिन भर कोई थोड़ी पढ़ता रहता है। नहीं, मम्मी तो हम भी कॉलेज जाते हैं, लेकिन हम क्या ब्लॉग नहीं बनाते, हम तो कॉलेज से आने के बाद ब्लॉग डालते हैं, क्योंकि हमें इतना लोग चाहने वाले हैं भाई, देखना चाहते हैं, इसलिए अच्छा लगता है ब्लॉग बनाना। बट चल जाएगा एक वीडियो, हम जाते हैं पूरा तो डालते नहीं है वीडियो, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि निशा को अब डांटती है, नहीं डांटने से बुरा लगता है, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं क्योंकि इतना वो नहीं है, इसको डांटते हैं फिर हम लोग बात करने लगते हैं, ऐसा नहीं कि अभी डांट दिए फिर इससे आज बात नहीं, पहले की तरह, पहले तो पहले की तरह लड़ाई ये बात के डांटते ना कि हमारा शादी हो गया, ये हमारे घर आई है तो हम इसको डांट रहे, इसको बुरा लगता है, तो हम खुद ये चीज़ हमको भी समझ है, लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम लोग दूसरी चीज़ पे हम लोग दूसरे में हमें बात करते हैं, लेकिन आप लोग को जब निशा बताई तो आप लोग को ये चीज़ लग गया, इसलिए इसको अभी ये निशा बोले कि दीदी बताओ ना, क्योंकि ऐसे ऐसे सब लोग बोल रहे हैं, तो बोले कि चलो ठीक है, तो रहने तब इसी के साथ। अभी आलू का भुजिया एकदम मस्त भुजा रहा है, और किस 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 को आलू का भुजिया पसंद है वो कमेंट में बताइएगा, बहुत अच्छा लगता है। और जीजू का भी आलू का भुजिया फेवरेट है, तो बट आज आ जाएंगे शाम को और देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग के एंड तक। आ रही है अभी रील बनाने, और बहुत अच्छा अच्छा आज स्टोरी भी आएगा, रील भी आएगा, है ना। आज बहुत सारा काम है, पहले को एग्ज़ाम का तैयारी करना है, सब कुछ करना है, समझ में नहीं आ रहा कैसे जल्दी जल्दी क्या करें, बट चलते हैं जल्दी से और शूट करते हैं वीडियो। मेरा हेयर अभी हेयर कट किया थोड़ा जरूरी है, मम्मी जी बोल रही थी चोटी बांधते थोड़ी देर में बाद रेडी हो गए और सॉन्ग सुनेंगे, यहाँ पे बहुत सारा डांस करेंगे। तो आज आज हम लोग क्या करने वाले हैं लोग? आज हम लोग शादी करने वाले हैं।
वो देख लेगी ना तो पता नहीं क्या होगा। शादी का नाटक करने वाले हैं लोग। चलिए ठीक है। अरे नहीं डालेंगे रील। और मैं यहाँ पे प्रिंस जीजू का वीडियो शूट कर रही थी जो कि ये भोजपुरी सॉन्ग पे डांस कर रहे थे और बोल रहे थे कि यार तू वीडियो मत बना। मैं बोली कि अरे डांस कीजिए कीजिए क्योंकि ये बहुत अच्छा डांस करते हैं और आप लोग आगे देखिए इनका डांस। प्रिंस जीजू के साथ आज मैं रील बनाऊंगी और आप सब जाके देखिएगा इंस्टाग्राम पे। जो जो मेरा इंस्टा आईडी फॉलो नहीं किया वो जाके फॉलो कर ले। मेरा इंस्टा आईडी है यूनी गर्ल से। तो आज बहुत मस्त मस्त रील आने वाला है और कल भी मैं उनके साथ बनाई थी जो कि बहुत लोगों का कमेंट भी आया था बहुत अच्छा अच्छा। मैं सबका मतलब जिसका अच्छा अच्छा रहता है कमेंट मैं सबका रिप्लाई करती हूँ बट निगेटिव कमेंट का मैं नहीं करती हूँ इग्नोर कर देती हूँ। तो चलिए चलते हैं अभी रील्स बनाएंगे। अच्छी रील्स बना लो जो कि बहुत अच्छा लगा। आप लोग जाके इंस्टाग्राम पे देखिएगा और बहुत सारा भोजपुरी सॉन्ग पे मम्मी के साथ और दीदी के साथ भी बनाए बहुत अच्छा लगा। हम लोग इसी जगह पे ज़्यादा करके हम लोग स्विमिंग पूल के पास ही हम लोग वीडियो वगैरह बनाते हैं जो कि यहाँ पे बहुत अच्छा रील्स वगैरह बनता है। तो अब बस रहने देते हैं वीडियो को यहीं तक। अगर ये वीडियो आप सभी को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड खूब शेयर शेयर कीजिएगा। और जाते जाते मेरा इंस्टा आईडी है यूनिगर्ल से वहाँ पे ही फॉलो कर लीजिएगा और बहुत अच्छा अच्छा रील्स देखिएगा। बाय बाय लव यू गाइस।